हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं बहुत दिन से पेंडिंग चल रहा था जो सब्जेक्ट था, जो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस, ये दो चीजें मैंने बतानी थी। इसके लिए मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये नेक्स्ट वीडियो ये करना है। आज उसका नंबर आ गया है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी का करने से पहले ये कई चीजें उसमें ध्यान देनी पड़ती है कि इसमें एनालिसिस करने के लिए हमें क्या-क्या चीजें देखनी चाहिए। अभी इसका फंडामेंटल एनालिसिस किसी कंपनी का करना है तो ये किस लिए करना है। अगर ये फंडामेंटली कोई भी कंपनी स्ट्रांग होगी, अच्छी होगी, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने में आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ना कोई रिस्क होगी। आपको पहले वाले कुछ वीडियो में मैंने बताया ही है कि ये स्टॉक मार्केट कितना रिस्की स्टॉक मार्केट है और इसमें इन्वेस्टमेंट कितना रिस्की है। आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी जीरो हो सकता है या कभी भी डबल हो सकता है। तो ये है स्टॉक मार्केट। तो इस स्टॉक मार्केट को ठीक से समझने के लिए उसमें से एक फंडामेंटली कोई भी कंपनी है तो फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है उस चीज के बारे में जानना जरूरी है। अभी उस कंपनी के फंडामेंटल जानने से पहले वो कौन कौन से पॉइंट है जिस उस कंपनी के बारे में हमें जानना चाहिए। सबसे पहले है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का मेन बिजनेस क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसके प्रोडक्ट को मार्केट में क्या है डिमांड, ये वगैरह इस कंपनी के बारे में जानना सबसे पहले जरूरी होता है। नेक्स्ट है उस कंपनी को चलाने वाले मैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट को कितना एक्सपीरियंस है। इससे पहले वो कंपनी ये जो इस जो भी कंपनी है उस कंपनी के मैनेजमेंट जो है इससे पहले कौन कौन सी कंपनी उन्होंने हैंडल की है और वो जो कंपनी हैंडल की है उस कंपनी के रिजल्ट कैसे रहे हैं और उन्होंने कैसे मतलब उसको प्रॉफिटेबल बनाया है। इसका रिकॉर्ड मैनेजमेंट जो टीम है उस मैनेजमेंट टीम के रिकॉर्ड को देखना जरूरी होता है। तो इसलिए मैनेजमेंट की प्रोफिशिएंसी मतलब उसकी प्रोफिशिएंसी कितनी अच्छी है उसको देखने के लिए हमें उस मैनेजमेंट टीम का पिछला वाला रिकॉर्ड देखना जरूरी है। नेक्स्ट है फिनेंशियल। किसी भी कंपनी के फिनेंशियल देखना है, इसका मतलब उस कंपनी का सेल्स कितना है, उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं, नेट प्रॉफिट कितना कमा रही है, अर्निंग पर शेयर कितना है, प्राइम मार्केट प्राइस कितनी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, ये सब कुछ जो फिनेंशियल किसी कंपनी के जानना है। तो इसके किसी भी कंपनी को अगर हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी कंपनी को चुनते हैं तो उसके फिनेंशियल जो है कम से कम लास्ट 5 ईयर के फिनेंशियल हमें जानने की जरूरत होगी। अगर उसके 5 ईयर फिनेंशियल हम देख लेते हैं और उसके हर एक साल में उसके फाइनेंशियल में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यानी कि पिछले 5 साल में जो है जो सेल्स था उसके नेक्स्ट ईयर में उसका सेल्स बढ़ गया, फिर नेक्स्ट ईयर में और प्रेजेंटली करंट ईयर में ये बढ़ता ही गया है। ये चीज फॉर एग्जांपल सेल्स की बता रहा हूँ, उसी हिसाब से बाकी चीजें जैसे नेट प्रॉफिट कितना कमा रही है, नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू आगे बढ़ता जा रहा है या नहीं है, ऐसे फाइनेंशियल किसी भी कंपनी को चुनने से पहले जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट करना है उस कंपनी के फाइनेंशियल जानना जरूरी है। पिछले कम से कम 5 साल के फाइनेंशियल का हमें पता होना चाहिए। तो ये चीजें जानने का, उसका डाटा कलेक्ट करके ये इसके फाइनेंशियल जानने का, ये एक फंडामेंटली एनालिसिस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है किसी भी कंपनी में जो भी हम जिस कंपनी का मैनेजमेंट कंपनी को हम जान रहे हैं या उस कंपनी को फाइनेंशियल्स को जान रहे हैं, ऐसी वाली कंपनी जो भी सिलेक्ट किए हैं उस कंपनी के ऊपर डेब्ट कितना है, यानी कि कर्जा कितना है उस कंपनी के ऊपर। अगर इस कंपनी के ऊपर कर्जा ज्यादा है तो मैक्सिमम इसका नेट प्रॉफिट जो होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम इसके डेब्ट को यानी कि कर्जे को सर्विस करने में ही चला जाएगा, तो बचेगा कितना नेट प्रॉफिट। तो इसलिए कोई भी हेवी डेब्ट वाली अगर कंपनी है तो उसको बिल्कुल भी चुनना नहीं चाहिए। तो ये एक फंडामेंटल जो है एनालिसिस करने से पहले किसी कंपनी का, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें फंडामेंटल्स चेक करने में डेब्ट कितना है उस कंपनी का उसको पता करना जरूरी है। नेक्स्ट है उस कंपनी जिस जिस कंपनी को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस सेक्टर के कंपनी में बाकी कंपनियां कितनी कॉम्पिटिट कर रही है, मतलब कितने कॉम्पिटिटर है
और वो कॉम्पिटिटर हम जिस कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हैं उससे अगर ज्यादा तगड़े कॉम्पिटिटर है तो हमें उससे भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए भाई। इस कंपनी के कॉम्पिटिटर अगर ये है तो ये कंपनी हम जो सिलेक्ट करेंगे कुछ दिन के बाद हो सकता है उसको लॉस हो जाए। तो वो कॉम्पिटिटर जो है हम जो जिस कंपनी के सिलेक्ट कर रहे हैं उसके कॉम्पिटिटर अगर अच्छे कॉम्पिटिटर मतलब कॉम्पिटिटर में से अच्छे सबसे अच्छे कौन है उसको हमने उस कंपनी को चुनना जरूरी है। तो नेक्स्ट जो है ये इतनी चीजें हम जब देखते हैं इतनी चीजें देखने के बाद इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है उस कंपनी का कि आने वाले 15-20 साल में या 25 साल में इस कंपनी ऐसे बढ़ोतरी रहेगी या आने वाले सालों में वो गिरती जाएगी या कुछ इसका भविष्य जो है वो खराब हो सकता है ऐसी कोई चीज है क्या, वो चीज भी इसमें देखनी पड़ेगी ये फंडामेंटल जब एनालिसिस हम करते हैं। तो आगे आने वाले 15 से 20 साल तक इस कंपनी में अगर कोई खतरा नहीं है तो ऐसी कंपनी को हमें सिलेक्ट करना चाहिए। और ये जो है ना ये फंडामेंटल जो है हर साल या टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। अगर जो आज सिलेक्ट हम फंडामेंटल सिलेक्ट कोई कंपनी की है और उसके फंडामेंटल आज अगर हमने आज चेक किए हुए हैं तो कुछ दिन के बाद हो सकता है उसमें चेंज आ जाए, किसमें चेंज आ जाए, उसका डेप्थ बढ़ जाए, उसके कॉम्पिटिटर और थोड़े तगड़े हो जाए, ज्यादा कॉम्पिटिटर आ जाए, या कोई फाइनेंशियल उसका डाउन हो जाए, या जो भी हमने पहले ऊपर पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं उसमें से कोई भी चेंज आता है आ सकता है। अगर आता है तो हमें इसको टाइम टू टाइम इसको रिव्यू करते रहना चाहिए कि कोई चेंज तो नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें सिलेक्ट करने के बाद मतलब उस फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही किसी कंपनी को सिलेक्ट करके उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये चीज है मेन जो है फंडामेंटल हमें क्या क्या देखना चाहिए। अभी उसमें मैं देखा था कि स्टडी फाइनेंशियल रिपोर्ट ऑफ कंपनी लास्ट 5 ईयर कि लास्ट 5 ईयर के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या क्या इस कंपनी के है। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल में देखने से पहले हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें इस कंपनी के सेल्स कितना है, इस कंपनी का जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं कोई कंपनी जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस कंपनी के सेल्स कितने हैं और 5 साल में सेल्स बढ़ता जा रहा है या क्या है। एक्सपेंडिचर जो है अगर हर साल पिछले 5 साल से हम एक्सपेंडिचर देख रहे हैं और एक्सपेंडिचर बढ़ता जैसे सेल्स बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, कोई एक्सपेंडिचर ऐसा तो नहीं है जो सेल्स बढ़ रहा है लेकिन एक्सपेंडिचर भी कम हो रहा है, तो ऐसी कंपनी को भी ये चेक करने की जरूरत होती है। तो उसमें एक नेट प्रॉफिट कितनी कंपनी हर साल कर रही है, इक्विटी बेस उस कंपनी का कितना है, अर्निंग पर शेयर कितना है, उस कंपनी के प्रेजेंट मार्केट प्राइस कितनी है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, ये सब चीजें इसमें ध्यान देने वाली होती है जब हमने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को ढूंढना है या फंडामेंटल हमने एनालिसिस करना है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करते टाइम मैं एक XYZ कंपनी का डाटा ऐसे ही वो फिगर्स लिया है जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे उसके फिगर्स होते हैं। जैसे सेल्स किसी एक फाइनेंशियल ईयर में सेल्स जो है किसी कंपनी का 500 करोड़ का सेल्स है और एक्सपेंडिचर 350 करोड़ एक्सपेंडिचर होता है तो बचता है 150 करोड़। तो 150 करोड़ ये नेट प्रॉफिट है जो कि शेयर होल्डर को हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि इसका नेट प्रॉफिट कितना है। तो ये है 150 नेट प्रॉफिट। अभी इसका इक्विटी बेस समझ लो, किसी इस कंपनी का जो है 200 करोड़ का इक्विटी बेस है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपए का है, इसका मतलब इसके शेयर जो इशू किए हैं वो 20 करोड़ के शेयर इशू किए हैं और टोटल इक्विटी बेस जो है 200 करोड़ का है। तो इसका अर्निंग पर शेयर क्या है, अर्निंग पर शेयर मतलब अर्निंग कितनी है इसकी, नेट प्रॉफिट इज द अर्निंग। तो नेट प्रॉफिट 150 करोड़ है, 150 अर्निंग पर शेयर यानी कि अर्निंग 150 करोड़ है और शेयर्स कितने हैं 20 करोड़ शेयर है। तो अर्निंग पर शेयर ऐसे निकलेगा कि 150 करोड़ उसका नेट प्रॉफिट है और टोटल इक्विटी शेयर्स जो है इशू किए हुए वो 20 करोड़ है। तो 150 एक एग्जांपल जो लिया है 150 डिवाइडेड बाय 20 अगर कर लिया तो अर्निंग पर शेयर उसका 7.5 आ जाएगा। तो 7.5 इसका अगर अर्निंग पर शेयर है तो इसकी मार्केट प्राइस अगर 75 रुपीज होती है तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो प्राइस क्या है 75 और प्राइस टू अर्निंग अर्निंग कितनी है 7.5।
तो प्राइस इज 75, अर्निंग इज 7.5, तो इसका पर इक्विटी रेशियो ये 10 रुपया, मतलब 10 इसका पर इक्विटी रेशियो जो है वो 10 का आ गया। तो कभी भी किसी कंपनी को फंडामेंटली अगर चेक करना है कि कोई कंपनी इसके फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स अगर चेक करने हैं तो उसमें यह देखना है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है। दिस ए फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने देख लिया कि अर्निंग पर शेयर इसका इतना है, मार्केट प्राइस इतनी है और इसका इक्विटी बेस इतना है, ये अगर आपको सही लगा तो इससे आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकाल सकते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब क्या है कि मार्केट प्राइस अभी कितनी है और उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है। अगर उसको प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो आएगा। ये अगर नॉर्मली 10 रुपये, 10 का पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर 10 है तो एक सेफ कंपनी मानी जाएगी कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते। लेकिन पी जो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है, 10 से अगर कम होता है तो समझ लो 7 का पी रेशियो 7 आ गया है और हमने फंडामेंटल्स पूरे चेक कर लिए कि इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, इस कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, यह सब कुछ अच्छा होने के बाद अगर उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 से कम है तो इसको आंख बंद करके उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेना चाहिए। और अगर ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10 से ज्यादा है, समझ लो 15 हो गया है, 20 हो गया, 50 हो गया, तो उस कंपनी के शेयर खरीदने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना क्यों बढ़ाया। कई रीजंस होते हैं, कभी कभी कंपनी के प्राइस टू अर्निंग रेशियो का बढ़ जाता है क्योंकि उसके फ्यूचर प्लान जो है या उसकी कंपनी की ऑर्डर बुक वैल्यू जो है उसकी ज्यादा होती है, जो उसको बुक मतलब जो ऑर्डर्स मिले हैं उसके ऊपर भी उस शेयर कीमत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ जाता है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसका 10 से ज्यादा का प्राइस टू अर्निंग रेशियो उस कंपनी का बढ़ा है? अगर उसका कोई रीजन नहीं है, ओनली जो है मैंने पिछले एक दो वीडियो में बताया था कि अफवाहें जैसे चलती है, रूमर्स के ऊपर मार्केट प्राइस चलता है, तो ये अफवाह की वजह से तो उस कंपनी के शेयर की प्राइस, मार्केट प्राइस बढ़ने ऐसे तो नहीं बढ़ी है। अगर ऐसे बढ़ी है तो 10 से पी जो है 10 से ज्यादा अगर होता है तो ऐसी कंपनी से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। तो किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले आपको क्या एक इम्पोर्टेंट चीज है कि उस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है। तो ये अगर आप एनालिसिस कर पाते हैं, प्राइस टू अर्निंग पर शेयर निकाल सकते हैं, प्राइस मार्केट शेयर प्राइस तो आपको मार्केट में मिल जाएगी, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर ये आप ठीक से एनालिसिस कर सकते हैं जिसमें और भी पॉइंट्स जो बताए हैं मैंने पहले कि फंडामेंटल में क्या क्या देखना चाहिए वो, अगर वो सही है और इस तरह आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर निकाल दिया है तो ये इस मुताबिक आप एनालाइज करके आप खुद भी कोई भी जो है बाइंग या सेलिंग डिसीजन ले सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि ये चीजें जब तक आपको कंफर्म नहीं हो जाती कि इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो इस वजह से अगर कोई बड़ा है तो क्यों बड़ा है वो पता करने के लिए, और कम है तो उसमें बिल्कुल भी सही समझ के उसको बाय करना, ये वगैरह जो आप एनालाइज खुद कर सकते हैं, इसके मुताबिक अगर आप खुद करके खुद ही डिसीजन ले सकते हैं कि इस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए या अगर आपके पास है तो उसको बेच देने चाहिए। जो भी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर बढ़ गया तो बेच दो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर कम हो गया तो इसके शेयर खरीद लो, और अननेसेसरी कोई प्राइस टू अर्निंग रेशियो बढ़ता है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर अननेसेसरी बढ़ता है और आपके पास शेयर है तो सेल कर दो, लेकिन खरीदो मत उस चीज को। तो ये था सब कुछ फंडामेंटल्स एनालिसिस के बारे में आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि आपको मेरे जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं वो जल्दी मिल जाएंगे, और उसमें बेल आइकॉन का बटन दबाने से तो आपको उसके नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये नया वीडियो आ गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।